नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रदेव आशीष प्रतिदिन गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि त्यौहारों का सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि तो शुरू हो भी गई है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो इस टाइम पे हमारे घर में काफ़ी मीठा बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक मीठे प्लांट के बारे में बात की जाए। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्लांट, उसे कई नामों से जाना जाता है, उसे आप शुगर प्लांट बोल सकते हैं, मीठी तुलसी बोल सकते हैं, स्टीविया लीव्स बोल सकते हैं या स्टीविया बोल सकते हैं। दोस्तों, ये सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है, यानी एस्टेरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। और एस्टेरेसिया फैमिली के झाड़ीदार पौधों की लमसम 240 प्रजातियां हैं। पत्तियों में काफ़ी मिठास होती है, इस कारण इसकी खेती भी की जाती है, काफ़ी बड़े स्तर पर की जाती है। शक्कर की तुलना में ये मिठास धीरे धीरे छोड़ता है और लंबे टाइम तक आपके तरफ में इसकी मिठास कम हो जाती है, थोड़ा कड़वापन भी आ सकता है। और खाने के बाद आपको एहसास हो सकता है कि थोड़ा सा, हम जैसे हमने मुलेठी खाते हैं उसका जो स्वाद आता है वो भी आपको महसूस हो सकता है। बताना चाहता हूँ आपको, जो प्रोसेस स्टीविया होता है उसकी मिठास शक्कर से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है वो। और अगर पत्तियों की बात करें खाली हम लीव्स की, तो वो भी शक्कर से 30 से 40 गुना ज़्यादा। दोस्तों, पहली बार इस पर शोध स्पेनिश वैज्ञानिक पेट्रो जेम स्टीव्स ने किया था, जो खुद एक चिकित्सक थे और वैज्ञानिक थे। दोस्तों, इससे बीज से उत्पन्न किया जा सकता है, वैसे इसके सीड्स लगाए जाते हैं, लेकिन इसे कटिंग से भी ग्रो किया करने वाले हैं इस पॉट के अंदर। और इसके अंदर मैंने ड्रेनेज होल बना दिए हैं, ये देखिए साइड में भी कुछ ड्रेनेज होल बना दिए हैं। इसके अंदर सॉइल मीडियम की बात करें तो मैंने 50% कोकोपीट लिया है और 25% वर्मी कंपोस्ट है और 25% नॉर्मल गार्डन सॉइल है। इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले इस तरीके से। स्टीविया के सीड्स को ग्रोथ करने उगाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो इस कारण हमने इसके अंदर 25% वर्मी कंपोस्ट लिया है। बहुत ही ईजी तरीका है इसको उगाने का, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको इसके लिए। अब इस पॉट के अंदर ये हमारा सॉइल मीडियम है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार और। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम इसके अंदर भर देते हैं। आप देख पा रहे हैं सॉइल मीडियम में थोड़ी नमी है, क्योंकि कोकोपीट जो मैंने इसके अंदर मिलाया था उसको पहले ही मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया था। तो इसको अच्छे से भर लेते हैं, थोड़ी सी जगह हम रख लेते हैं ऊपर, क्योंकि हमें अभी इसके अंदर सीड्स भी डालने हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ स्टीविया के सीड्स किस तरीके से दिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास स्टीविया के कुछ सीड्स हैं और इन्हीं सीड्स से मैंने अपने प्लांट्स उगाए हैं पहले भी, आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, काफ़ी बारीक सीड्स हैं, मतलब आप देख रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए इतने बारीक सीड्स हैं। और इनका उगना ज़रूरी नहीं है हर सीड उगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 20% या 10% सीड्स भी उग जाएं तो वो बहुत अच्छी बात है, मेरे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पॉट को मैंने अच्छे से फिल कर दिया है और स्टीविया के सीड्स भी मैंने निकाल दिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब ये इस पॉट के अंदर मैं इन सीड्स को अच्छे से रख दूंगा, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जो भी सीड्स हैं इनको अच्छे से मैं इनके अंदर रख दूंगा, ऊपर से भी मुझे कोई कोटिंग नहीं करनी है। सीड्स को मैं हल्का सा गीला कर दूंगा, ये देखिए सिर्फ एक बार गीला करना है मुझे। सीड्स काफी बैठ गए नीचे, थोड़े और सीड डालूंगा मैं इसके अंदर इस तरीके से और अच्छे से प्रेस कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, नॉर्मल एक रबर बैंड चाहिए मुझे इसके लिए। कपड़े को मैं अच्छे से गीला कर दूंगा, जब कपड़ा गीला हो गया है इसे मैं ऊपर से ढक दूंगा इसे इस प्रकार से और पैक कर दूंगा। यहाँ पर रबर लगा देता हूँ मैं, अब दोस्तों मुझे करना है ऐसा, इसे मुझे रखना है ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी रहती हो और थोड़ा अंधेरा रहता हो, और मुझे ये जो कपड़ा ऊपर की तरफ लगाया है ये बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अंदर सीड्स हैं वो इसी के ऊपर से जो नमी रहेगी उसी के अंदर से वो अपना पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और इसको ऐसे अंधेरी जगह में रख देता हूँ मैं, और
और इसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा कैसा रहता है। कुछ मेरे पास है जो मैंने पहले से उगा रखे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको यार शेयर दोस्तों, ये करता हूँ। मेरा स्टीविया का पॉट है। इसके अंदर मैंने 15 से 20 दिन पहले स्टीविया के सीड्स लगाए थे, तो देखिए कुछ ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। ये देखिए काफ़ी स्टीविया के सीड्स निकल गए हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, ये 2 महीने बाद की ग्रोथ है स्टीविया की। काफ़ी लीज अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इसके अंदर मैंने एक आध बार फंगिसाइड का स्प्रे भी किया था, क्योंकि इसमें फंगस की प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। और नीम ऑयल का स्प्रे करें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके पत्ते मीठे होते हैं, चींटियाँ लगने की संभावना रहती है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो ये औषधि का काम करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बनाए रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।